हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द रिडल ऑफ द पोएम. सो इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ दैट थ्री चिल्ड्रन शीला लक्ष्मण एंड नकुल गॉट अ लेटर विच वॉज ड्रॉप्ड बाय अ हॉर्समैन. जो वो लेटर एक हॉर्समैन से गिर गया था एंड दैट वॉज रिटन इन ब्राह्मी एंड देर वॉज अ पोएम रिटन. सो वॉट हैपन दैट ड्यू टू इट्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट they were not able to read the whole poem, so finally they took help from Aditya. उन्होंने एक आदित्य मोम था, भिक्षु था, उससे उस लेटर को पढ़वाया था and finally they got to know this is a poem and the poem is sort of a riddle. एक जो poem थी वो क्या थी, एक riddle है, उनको ये पता चला. So let's see what was the poem. So the poem is starting from here. When the full moon is in Ashadha, follow the river of men to the river bank. From the city of Ashoka to the Vihara, as over the horizon the monk sank, bringing the treasure home again, fast as a deer with a leopard's guile, the house of the lion will then rain as the 12 pillars of glory smile. So now we'll see first what does it mean by Ashadha. So Ashadha, जैसे children हमारे यहाँ August का month होता है, तो ऐसे ही in Hindi जो बारिश का महीना होता है आषाढ़, जिसे हम आषाढ़ बोलते हैं, so in English we call it Ashadha. So यहाँ पर what is the meaning coming out from these lines? When the full moon is in Ashadha. So यहाँ पर बात हो रही है उस रात की, उस आषाढ़ महीने की रात की, जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन पूरा चांद दिखता है. सो बताते हैं कि कुछ लोग यानी कारवां फॉलो द रिवर ऑफ मैन टू द रिवर बैंक. तो फॉलो द रिवर ऑफ मैन इट मीन्स देर सम पीपल पीपल ऑफ कारवा ऑफ पीपल. यहाँ पर कुछ कारवा होता है चिल्ड्रन, लोगों का ग्रुप होता है, एक तरीके का कारवा जो नदी की तरफ जा रहा है, नदी की तरफ से आ रहा है, सॉरी नदी की तरफ आ रहा है, फ्रॉम द सिटी ऑफ अशोका टू द विहारा. और वो नदी की तरफ कहाँ आ रहा है, वो अशोक विहार, जो अशोक हैं, जो किंग है अशोका, उनकी तरफ से आ रहा है, कहाँ की ओर, विहारा की तरफ. नाउ विहार इज़ अ प्लेस वेयर मोंक्स लिव, जहाँ पर भिक्षु रहते हैं उसको विहार कहते हैं, राइट. यानी कुछ लोग हैं जो नदी की तरफ से विहार की अशोक की तरफ आ रहे हैं और अशोक की ओर से कुछ विहार की ओर जा रहा है. विहार यानी जो भिक्षु के रहने की जगह है. एज ओवर द होरिजन द मून सैंग ब्रिंगिंग द ट्रेजर होम अगेन. अब जो ट्रेजर है, ट्रेजर होता है खजाना. तो खजाना जब होरिजन मून सैंग का मतलब है जैसे जैसे वो जो फुल मून है वो डूबने लगता है, सैंग का मतलब डूबा, ब्रिंगिंग द ट्रेजर होम अगेन. तो जब मून डूबने लगा तब वो जो खजाना है वो घर की तरफ आने लगा. अब वी विल कम टू नो लेटर इन दी एंड ऑफ द चैप्टर, अंत में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस पोम का क्या मतलब है, कौन सी पहेली इस पोम में छिपी हुई है. सो एज द होरिजन ऑफ मून, जैसे जैसे मून ढलेगा डूबेगा वैसे क्या होगा, जो घर की तरफ वो खजाना आ जाएगा. फास्ट एज अ डियर विद अ लेपर्स गाइल द हाउस ऑफ द लायन विल देन रेन एज अ 12 पिलर्स ऑफ ग्लोरियस स्माइल. और वो जो खजाना है, वो खजाना जो लोग लेके आ रहे हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, लेपर्ड की तरह वो बहुत चालाक हैं. गाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट, यानी वो इंसान जो बेईमान हो. और फास्ट एज अ डियर, और बहुत ही तेज़ी से वो खजाना लेने के लिए आ रहे हैं, खजाना लेकर के आ रहे हैं. और कहाँ की तरफ आ रहे हैं, द हाउस ऑफ द लायन. लायन जो हाउस कौन है, अशोका का जो घर है,
ठीक है, तो उसकी तरफ ख़जाना लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब ख़जाना आ जाएगा तो क्या होगा, जो 12 पिलर की जो उनका पैलेस है, जो उनका महल है, वो और ज़्यादा क्या होगा, ग्लोरी स्माइल होगी उसके पास, यानी वो जो महल है वो और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगा, और ज़्यादा नो उसमें प्रॉस्पैरिटी आ जाएगी, यानी विकसित हो जाएगा जब वो खजाना आएगा। ठीक है, सो अभी यू मे नॉट गेट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वर्ड्स, ऑल द नो टर्म्स जो इस पोम में बोले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की पहेली है। ठीक है, विल अंडरस्टैंड एज सुन एज वी रीड द होल चैप्टर, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें समझ में आने लगेगा। नाउ विल सी नेक्स्ट लाइन्स। अब इस पोम को सुनने के बाद क्या होता है चिल्ड्रन, शीला, शीला क्या कहती है, आई लाइक पोइम, आई लाइक पोम, इट हैज़ अ नाइस रिदम टू इट, वो कहती है शीला दैट आई लाइक इट एंड इट हैज़ गॉट अ नाइस रिदम। नकुल कहता है आई नो इट्स अबाउट अ ट्रेजर, वी कांट फाइंड द ट्रेजर इफ़ वी सॉल्व द पजल। अब वो नकुल कहता है दैट बट वॉट आई नोटिस्ड इज इट इज़ ऑल अबाउट अ ट्रेजर एंड वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इट आउट बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पज़ल, एक पज़ल है, एक पहेली है जिसको सॉल्व करे बगैर हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब आदित्य कहता है, जो मोंक होता है वो क्या बोलता है, ये मोंक है, ठीक है, जो अपने हाथ में लेटर लिखे हुए हैं, इनकी इफ़ यू सी हिज ड्रेसअप सो यू विल कम टू नो, जो मोंक्स होते हैं बेसिकली जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाल्ड होते हैं और एक ही जो एक कलर का जो क्लोथ होता है उनके शरीर पे पड़ा रहता है, एक तरीके के भिक्षु होते हैं। ठीक है, तो अब आदित्य क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो, देर आर नो डायरेक्शन हियर, वो कहता है बिकॉज ही इज़ द वन हु हैड रेड द लेटर, यही थे जिन्होंने पूरा लेटर पढ़ा था, तो वो कहते हैं बट मुझे नहीं लगता है बिकॉज देर इज़ नो डायरेक्शन गिवन इन दिस लेटर, कोई हिंट नहीं दी है, कोई डायरेक्शन नहीं दी है, सो हाउ कैन वी श्योर कि ये एक तरीके की रिडल है और ट्रेजर के बारे में, क्योंकि इसमें कोई भी पता नहीं दिया है, कोई भी दिशा नहीं बताई गई है। अब शीला कहती है हाउ डू वी फाइंड द हॉर्समैन, तो अब शीला कहती है कि हाउ कैन वी गेट द हॉर्समैन, जिसका ये लेटर गिर गया था, हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे। अब आदित्य बोलता है सॉल्व द पजल इन द पोम, आई एम टू ओल्ड टू डू दैट। अब आदित्य बिकॉज ही इज़ अबाउट ही हैड टू गो समवेयर, इसको कहीं जाना था, तो वो क्या कहता है कि यू ऑल सॉल्व द पजल एंड आई कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज आई एम टू ओल्ड नाउ, आई डोंट हैव दिस मच इंटेलिजेंस टू सॉल्व दिस रिडल, वो कहता है कि अब मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, तो तुम ही लोग इसको सॉल्व करो। एंड सेइंग दिस ही हैंड्स ओवर हिज लेटर टू दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों को लेटर देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हमें कैसे पता चला कि वो चला गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लाइन इज़ रिटन एग्जिस्ट हैंडिंग ओवर द स्क्रॉल टू नकुल, द चिल्ड्रन टाई अप द बंडल वंस अगेन। अब जो क्या करता है, जाते हुए वो हैंड ओवर कर देता है नकुल को वो स्क्रॉल, जो लेटर था, इफ़ यू सी इनका जो लेटर है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके का है, पहले ज़माने में ऐसे ही लेटर चलते थे, ठीक है, वो एक कपड़े पे लिखा जाता था, उसको फोल्ड करके दिया जाता था, वो स्क्रॉल करके उस लेटर को नकुल को दे देता है, स्क्रॉल का मतलब है घुमा कर फोल्ड करना। एंड देन फिर बच्चे क्या करते हैं, दे टाई इट अप अगैन एंड कीप इट विद देम, वो फिर से उस बंडल को बांध लेते हैं और रख लेते हैं। शीला क्या कहती है, शीला कहती है मे बी ही विल कम बैक लुकिंग फॉर दिस साउंड ऑफ हूज, आई वॉज राइट दैट साउंड्स लाइक हिम, वो कहती है। अब शीला को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है, साउंड्स ऑफ हूव्स, यानी जो घोड़े के जो हूव्स होते हैं उसकी खट खट की आवाज़ उसे सुनाई देती है, और वो कहती है कि आई थिंक दैट ही इज़ कमिंग बैक टू लुक फॉर दिस लेटर, वो कहती है शायद वो आ रहा है। एंड फाइनली वो कहती है कि सी आई वॉज राइट ही हैज़ कम, वो कहती है कि देखो वो आ गया। तो वो जो आदमी जिसका लेटर गिर गया था, वो क्योंकि घुड़सवार था तो घोड़े से वापस आता है, और शीला को अंदाज़ा कैसे लगता है, क्योंकि वो हूव्स के साउंड को सुन लेती है। देन व्हाट हैपन्स, बप्पा एंटर्स सर्चिंग द ग्राउंड।
अब नाउ चिल्ड्रन हियर यू कैन ईजली अंडरस्टैंड द पर्सन जो हॉर्समैन था उसको उसका नाम क्या था बप्पा। तो बप्पा जो हैं वो एंटर करते हैं उस उन बच्चों की गैदरिंग में वहाँ पर जो सभा चल रही थी वहाँ पर एंटर करते हैं सर्चिंग द ग्राउंड वो ग्राउंड पर कुछ ढूंढ रहे हैं राइट। सो नाउ इट इज़ श्योर द लेटर बिलोंग्स टू दैट बप्पा ओनली जो बप्पा आए थे उनसे ही उनसे जुड़ा हुआ था एंड दैट्स व्हाई ही वॉज लुकिंग फॉर द लेटर ऑन द ग्राउंड। सो चिल्ड्रन दिस मच आई एम गोइंग टू टीच इन दिस चैप्टर। नाउ माई क्वेश्चन इज टू यू इज what do we call August month in Hindi? August month को हिंदी में क्या बोलते हैं right? If you see in this page only you can get the answer. Now the next question is what is being talked about in this poem? इस poem में किस चीज़ के बारे में बात की गई है या फिर ये रिडल है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है व्हाट हैव यू अंडरस्टूड आपको क्या समझ में आया है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु लाइक्ड द रिदम ऑफ द पोम जो पोम की रिदम थी वो किसको पसंद आई एंड हु टोल्ड That the letter is about treasure. किसने बताया जो letter है वो treasure के बारे में है It means there were three children तीन बच्चों में किसने बताया कि जो letter है वो एक खजाने के बारे में है And now the last question is that who came to look for the letter? कौन आया उस letter को ढूंढने के लिए So these are the four question you answer after watching the video. Children, I hope that you have understood. It and I would say if you have any doubt you can ask me till children till then take care and bye bye see you soon.